ये अपना सारा सामान क्यों, क्या किस बात को लेके गुस्सा हो, क्यों लेके जा रही हो? मैंने साथ में रहने के लिए नहीं बोला। प्यार कभी किसी चीज का मोहताज नहीं, ना वक्त का, ना पास का, ना किसी के एहसास का। मेरे पास इतने दिन के लिए कोई लड़का नहीं। तुमने मुझे जो दिया बहुत दिया। ये अपना सारा सामान क्यों, क्या क्या है? लेके जाऊंगी ना मैं। कहाँ लेके जा रही हो? जहाँ रहूंगी। मतलब? अरे मैं जहाँ रहूंगी। तो तुमने ये बोला था मैं यहाँ सूट करती हूँ इसलिए यहाँ पे ये सारा सामान रख के जा रही हूँ, तो यहाँ अब सूट करना बंद हो गया तुम्हारा? हाँ तो ना आप सूट करोगे ना सामान यहाँ रहेगा। भाई मैं नहा के निकला हूँ तो लड़की ना ये सब फैला हुआ मुझे मिला है कि देख लो, अभी मैं तौलिए में हूँ, बाल बाल बनाए भी नहीं है कुछ भी, और आ के देखा तो मैं समझा शायद कुछ सामान निकाल ली होगी पहनने के लिए, कपड़े वगैरह। हेलो पागल, किस बात को लेके गुस्सा हो, क्यों लेके जा रही हो? आधा सामान है, आधा मैं बाद में ले जाऊंगी। क्या क्या यार, रहने तो। अब जिद मत कर, मैंने बोल दिया है, मैंने डिसाइड कर लिया है। तो ठीक है सारा सामान ले जाओ, मुझे भी नीड नहीं है। तो मैं कितनी बार समझाऊं, समझाते समझाते मैं थक गया। तो मैंने आपको मना किया है कि आप मुझे ठीक मत है सारा सामान ले जाओ, मत बनाना मेरे साथ वीडियो, नहीं बने तो मन किया तुम्हें, तो प्यार भी तो नहीं है मेरे से। प्यार करने वाले जरूरी नहीं है कि साथ में रहे तभी प्यार है। तो साथ ऐसा कहाँ लिखा है कि जो मैंने इंसान साथ में साथ रहने में के रहता है तो प्यार करता है, नहीं तो नहीं करता। मैंने साथ में रहने के लिए नहीं बोला, तुम यहाँ सूट करती हो इसलिए कपड़े रखे थे, आज वो भी ले जा रही हो कभी इस वजह से तुम यहाँ एक आ तो। बात बोलूं, हाँ प्यार कभी किसी चीज का मोहताज नहीं होता, ना वक्त का, ना पास का, ना किसी के एहसास का, और ना फिर किसी चीज का। ये इशारा किया तो मुझे बोलते हो ना इस चीज को लेकर, ताने मारते हो ना, इसलिए मैंने बोला। इसलिए ताने मारता हूँ, अभी काम चल रहा नहीं है तो तुम भी परेशान हो, मैं भी परेशान हूँ। मैं तुम्हारे काम को लेके परेशान नहीं हूँ। तो किस काम को लेके परेशान हो? किसी चीज को लेके नहीं हूँ, ठीक है बस लड़कियां हमेशा गलत रही हैं, मैं भी हूँ हमेशा रहूंगी, और मैं नहीं चाहती कि कोई क्लियर इमेज बने मेरे को लेके। कोई नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है। एक कहावत है ना, एक लड़की कितनी भी अच्छी क्यों ना, उसके अंदर की क्वालिटीज नहीं, आपको डिसक्वालिटी ही दिखेगी। दिखेगी ये कि भाई वो बेवफा है, वो धोखेबाज है, प्रिंस ये है, कपिल छोड़ दो, ये कर दो। तो मैं खुद कह रही हूँ आप जाके दूसरी बना लो। लेकिन कभी मेरे पास कोई लड़का अगर आपको दिख गया जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ, हाँ मैं अपना काम करूंगी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपने घर से यहाँ पे काम करने के आई हूँ। लेकिन मेरे पास इतने दिन के लिए कोई लड़का नहीं रहा, जितने दिन के लिए तुम थे। लेकिन वो होता है ना कि मैं अगर दिनों के लिए था तुम्हारे पास। अच्छा इतने टाइम तक के थे ना, मैं तुम्हारे पास दिन के लिए था, खेलने और वो क्या होता है ना, एक बात है, तुम लकी हो के तो लिए। मैं मेरे साथ लकी इतने नहीं हूँ दिन यार, लगे। लकी नहीं हूँ मैं, लकी होता तो। यू आर द लकीस्ट पर्सन ऑफ दिस अर्थ, क्योंकि मेरे साथ एक साल आज तक के कोई नहीं रहा। हमेशा लोगों ने मुझे दिखाया है तुम मेंटेलिटी हो रहा है, यूज करो एंड हटाओ बस ये करना। लाइक बहुत सारी मेंटालिटी देखने को मिली है, बट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग एंड दैट इज यार कपिल, तुमने मुझे जो दिया बहुत दिया, इनफ। लकी होता तो फिर क्या, लकी होता बहुत लकी होता। कोई नहीं यार, हर जरूरी नहीं कि सारी कहानियां मतलब पूरी हो तभी सही है, कुछ कहानियां अधूरी भी होनी चाहिए तभी प्यार का मतलब पता चलता है कि प्यार एक्चुअल में हर किसी से नहीं होता। और अगर ऐसे ही होने लगा तो फिर तो हो गया, और अब हम ना फ्रेंड बन के रहेंगे। ठीक, मुझे याद तो करोगे ना, बोलो। ऐसा नहीं कि तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की आ गई मुझे भूल जाओ, बोलो।